गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी 5.2 है। उसमें आपको यूक्लिड की जो पोस्टलेट हैं उनकी अवधारणाएँ जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो वो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। ये उन्होंने बताया था कि ये आपके दो साइडें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसमें उन्होंने बोला था कि इस तरफ यदि हम कोई संख्या सेम संख्या इस तरफ ऐड करते हैं, वही सेम संख्या इस तरफ ऐड करते हैं, तो उसमें नो चेंजेस आता है। ठीक है, सेम संख्या ऐड करेंगे, इस तरफ भी ऐड करना है, इस तरफ भी ऐड करना है, तो आपके जो दोनों पार्ट होंगे वो सेम होंगे। अगर दोनों तरफ आप सबट्रैक करते हैं तो भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। डिवाइड करते हैं तो भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। यानी आपकी फोर संक्रियाँ रहती हैं मैथमेटिक्स में, आपकी फोर संक्रियाँ रहती हैं, मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इनको अगर दोनों साइड में से हम इक्वेशन में दोनों साइड अगर कोई भी संख्या ऐड करते हैं, सबट्रैक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें नो चेंजेस आता है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद 5.2 इसका क्वेश्चन है कि डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टलेट इम्प्ली द एक्सरसाइज ऑफ द पैरेलल लाइन। यानी दो पैरेलल लाइन आपको इस टाइप से लेना है और उन पर हमें एक सीधी लाइन खींचना है। सीधी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हुए, ये आपकी दो लाइन हैं, इसमें हमें ये एक लाइन खींचना है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे होगा वो आपका होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको पोस्टुलेट उसमें लिखना है, इसमें कुछ है नहीं है। अब हम शुरू करते हैं 6th चैप्टर। ठीक है, इसकी कुछ आज हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं, कल इसको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें हमें एंगल के बारे में पढ़ना है, आपकी रे है, आपकी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये आपकी टू पैरेलल लाइनें होती हैं और ये आपकी होती है इंटरसेक्ट लाइन। जब टू पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट लाइन काटती है तो उसके बीच में हाउ मैनी एंगल्स बनते हैं। अब यहाँ पे ये आपको सारे एंगल जो दिख रहे हैं वो एंगल अलग अलग टाइप के रहते हैं, लेकिन इनका मान किसका क्या होता है। जैसे ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके होंगे एंगल 1 और एंगल 4 ये आपके होंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये एंगल आपके होंगे इक्वल। एंगल 1 एंगल 4 ये होंगे आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ऐसे ये होगा आपका एंगल 2 और एंगल 3 ये भी होंगे आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब बाहर वाले हमें देखना है, बाहर आपका 5 है और 8 है, तो ये भी आपको क्रॉस में देखना है। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के, ये होगा आपका अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर बन रहा है। ऐसे 7 होगा 6 के, ये भी अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसमें 8 एंगल थे। उसके बाद अब आपके ये आमने सामने वाले एंगल हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी आपके बराबर होते हैं, 2 का 8, 4 का 6, 5 का 3, 7 का 1। ठीक है, ये होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, सब एंगल अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये आपका लीनियर पेयर होता है एक सीधी लाइन पे। ठीक है, ये सीधी लाइन पे आपका एंगल बना हुआ है, इनका जो सम होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही एंगल बने, ठीक है, आपके कितने भी एंगल बन सकते हैं वहाँ पे। जैसे 100 के रुपीज़ के हम
चेंज करवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10-10 के, 5-5 के, 50-50 के नोट ही दे, 2 के, 5 के, 10 के, कितने के भी दे सकता है, लेकिन वो 100 से आपको ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका है, चाहे आप छोटे भागों में, छोटे पार्टों में डिवाइड कर लो या फिर बड़े पार्टों में डिवाइड कर लो, लेकिन आपका जो सम आएगा वो आपका 180 ही आएगा। इसके बाद ये होता है आपका एडजेसेंट एंगल, मतलब जिसका एक ही शीर्ष होता है, ओनली वन वर्टाइसेस होता है, वो आपका होता है एडजेसेंट एंगल। और अगला है आपका राइट एंगल, राइट एंगल जिस पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आपका राइट एंगल होता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपका अंदर की तरफ झुका रहता है वो होता है, ये आपका लेस देन 90 डिग्री रहता है, 90 से कम का रहता है। और ऑप्टिज एंगल, ऑप्टिज एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 रहता है, ये आपका 90 से ज़्यादा का रहता है। और ये आपका है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब आपका 180 डिग्री का एंगल इस पर बनता है। और एक और होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ये आपका 180 से ज़्यादा का होगा। ठीक है, 180 से कितना भी ज़्यादा आपका हो सकता है वो आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर 6 की बेसिक आप जानकारी थी, इसको आज हमने क्लियर किया है। कल इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोगों को से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और जो भी किसी के मन में किसी प्रकार का डाउट है वो विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक